भूकंप में गजल का घर पूरी तरह तबाह हो चुका है। इसलिए मैंने सोचा उसे घर लाना ही सही होगा। आ जाओ, मैं अकरम से बात करूंगी, उसके होटल में एक कमरा दिला देंगे गजल को। होटल की क्या जरूरत है दादी अम्मी, गजल कोई पराई थोड़ी ना है। और तुम अकेला महसूस मत करना गजल, ये समझो कि अल्लामिया ने अगर तुमसे तुम्हारा घर छीन लिया ना, पर साथ ही साथ घर वाले दे दिए। तुम्हें पता है मेरी अम्मी कहती है कि जब अल्लामिया हमसे कोई हमारा अपना छीन लेते हैं ना, तो वो आसमान में तारा बन जाते हैं। भूकंप तुमसे तुम्हारा घर छीन सकता है, उसे तोड़ सकता है, लेकिन आसमान का तारा तो नहीं तोड़ सकता ना। यकीन करो गजल, तुम्हारे अब्बू हमेशा तुम्हारे साथ है। और तुमने देखा, मैं सही कहती थी ना, हैदर भले ही थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं, बात बात पे तुमसे लड़ भी सकते हैं, पर उनका दिल बहुत बड़ा है। हैदर, हमने बिल्कुल सही किया। तुमने तो सही कर दिया हैदर, लेकिन अब इस सही को गलत में बदलना मेरा काम है। लेकिन दादी अम्मी, अगर पता चल भी गया तो क्या हुआ, छुपाया तो गुनाहों को जाता है। और अम्मी से कोई गुनाह नहीं हुआ है। मैं तो कहती हूँ दादी अम्मी, हमें हैदर को सब कुछ बता देना चाहिए। अगर उन्हें सब पता चल गया तो वो गजल की जिंदगी भर मदद करेंगे और हमेशा उसकी हिफाजत करेंगे, उसको उसको महफूज रखेंगे। और अम्मी का बोझ भी हल्का होगा। दुल्हन, जो मैं देख पा रही हूँ वो तुम क्यों नहीं देख पा रही? हैदर के लिए हीना से बढ़कर और कोई नहीं, तुम भी नहीं। अगर हैदर को पता चला कि हीना गजल की गुनहगार है, तो वो अपनी माँ को उसके गुनाहों की माफी दिलाने के लिए किस भी हद तक जा सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, उस राज के बारे में ना गजल को पता चलना चाहिए और ना ही हैदर को। पर दादी अम्मी, हम कब तक ये बात छुपाएंगे? आपको क्या लगता है, हैदर अम्मी की आंखों में परेशानी नहीं देख पाएंगे? और क्यों ना पता चले, हैदर इस घर के बड़े बेटे हैं, उनको हक है राज जानने का। क्योंकि सच्चाई जानने के बाद गजल हैदर से जो भी मांगेगी वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर अगर उसने रहमानी साहब की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की मांग की तो अगर उसने हैदर को ही मांग लिया तो
नहीं नहीं दादी अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं जितना गजल को जानती हूँ वो ऐसा कभी नहीं करेगी। और आप अपने हैदर को नहीं जानती क्या? अगर गजल ने ऐसी कोई मांग कर भी दी तो हैदर उसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। और मुझे अपने हैदर पर पूरा भरोसा है। तुमसे ज्यादा जिंदगी का तजुर्बा मुझे है दुल्हन। कैसे फील कर रहे हो? काफी बेटा। गुड। ये कुछ दवाइयां डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं, भेजी है तुम्हारे लिए। मैंने सोचा मैं तुम्हें दे दूं। इनमें से एक एक तुम अभी खा लो और फिर सुबह और शाम कल से बेटर फील करोगे। अब मैं ले लूंगी। ठीक है। थैंक यू हैदर। अरे आप भी यहाँ हैं? गजल, रात को यहाँ बहुत ठंड हो जाती है तो मैं तुम्हारे लिए कंबल ले आई। और तुम कोई भी इधर उधर की बात मत सोचना। तुम यहाँ पे मेहमान की तरह नहीं, मेरी दोस्त की तरह आई हो। और अगर कुछ भी चाहिए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे आधी रात को भी उठा सकती हो। थैंक यू दुआ। शब्बा खैर। शब्बा खैर। जब इंसान के सामने मौत खड़ी दिखाई देती है ना, तो इंसान का नजरिया ही बदल जाता है। जिन बातों पे मैं नाराज होता था, जिन बातों पे मैं चिढ़ता था, समझो कि वो सारी बातें मुझे छोटी और बहुत बहुत मामूली लगने लगी हैं। और एक गजल, इस लड़की को मैं समझता था कि ये बहुत जिद्दी है, बदतमीज है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाहर से इतनी मजबूत दिखने वाली लड़की अंदर से कितनी अकेली है, इतनी टूटी हुई, इतनी मायूस। गजल के साथ गुजरे वो दो भयानक घंटों में मानो कि मेरा नजरिया बदल गया उसकी तरफ। तेरा प्यार सानू ए हो पिया दसदा, तेरा प्यार सानू ए हो पिया दसदा, तेरे बिना नहीं। ये रुहान मीना हमारे बीते वक्त को खास बनाने की कोशिश करता रहता है। प्यार सादा सजदा महल्ले विचों कूच ना करी वे माया। तो लगता है कि ये रुहान ने किया। विचों कूच ना करी, इसमें तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है। आज तक पूरी तरह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया ना तुमसे, शायद इसलिए। कोई बात नहीं हैदर, ये सब आपने किया? पर आज कौन सा खास दिन है? आज मौत से नजरें मिला के दुआ, अपनी मोहब्बत का एहसास हुआ है मुझे, तो आज का दिन तो खास हुआ ना। तीन सालों में नहीं किया ना कहा, वो आज कहना चाहता हूं। I love you, Dua. I love you so much. मेरे सामने आके बैठा रहो, मेरे सामने आके बैठा रहो, तू जुल्फ सजा के बैठा रहो, तू जुल्फ सजा के बैठा रहो,
अजनैन मिला के बैठा रहो, अजनैन मिला के बैठा। लोग सच ही कहते हैं, एक औरत का सच्चा प्यार ही एक पत्थर दिल इंसान को पिघला सकता है। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हारे साथ गुजारने के लिए एक जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। तुम्हें पता है दुआ, मुखम के पास जब मैं मलबे में दबा हुआ था तो मौत के ख्याल से सता, तुम्हें खोने का ख्याल मुझे ज्यादा खाया जा रहा था। ये सोच रहा था कि उम्र भर मैंने यही कहना तुम्हें कि तुम मेरी आदत हो, मैं गलत था। तुम मेरी आदत नहीं, तुम मेरी मोहब्बत हो, शिद्दत वाली मोहब्बत। और आने वाले 75 सालों में वो 75 बार ये कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। क्या हो गया आपको? हीना! अरे क्या हो गया हीना बेबी? क्या हुआ अम्मी? ठीक तो आप? उठिए, उठिए आराम से। अम्मी हीना! क्या हो गया अम्मी? चक्कर आ गया आपको? वो यही थी। अभी आई थी। कौन? वो आई है यहाँ। वो यहाँ थी, मैंने देखा है उसे। किसको? वो यही है। कौन था यहाँ? कौन बड़ी अम्मी? बाहर देखो। वाह। वो यहाँ थी, मैंने देखा है उसे। अम्मी। कौन है ना? क्या है बेटा? ओके ओके ठीक। वो यही है। ही ना, यहाँ तो कोई नहीं है। बड़ी अम्मी बाहर कोई भी नहीं है। नहीं, वो यही थी, मैंने देखा है उसे, यकीन करो। हीना बेबी, क्या तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है क्या? नहीं राज साहब, ये कोई ख्वाब नहीं है, ख्वाब नहीं है ये। वो यही है। अम्मी संभालिए। रोहन, डॉक्टर अंसारी को फोन करो अभी। जी भाई। संभालिए अपने आप को, चलिए। उसके अलावा एक और पैरों के निशान देखे हैं मैंने। मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ, मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी, लेकिन वही है। हीना, हीना, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। बड़ी अम्मी, मैंने पूरा घर अच्छी तरीके से चेक कर लिया, पूरे घर में कोई भी नहीं है। और सीसीटीवी फुटेज चेक करने को भी बोला मैंने सिक्योरिटी वाले को। लो देखा, कोई नहीं है। आप यकीन क्यों नहीं करते? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। यकीन मानिए, वही है, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। वो यही है, आस पास है वो। अम्मी देखिए, अभी मेरी बात सुनिए। डॉक्टर अंसारी आए थे, उन्होंने कहा है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है आपको। देखिए, आपको आराम करने की जरूरत है, आप आराम फरमाइए, ठीक है? आप थोड़ा आराम कीजिए, अब लेटिए ना प्लीज। आपके लिए आराम नहीं रहे हो। मैं सब समझ रहा हूँ। नहीं बेटा, ये मेरा वहम नहीं है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप उसके पैरों के निशान देखे मैंने वहाँ पर। कोई बात नहीं अम्मी, आप प्लीज। नहीं बेटा, कैसे आराम करूँ?
चलिए आप लोग मेरे साथ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अम्मी अम्मी चलो चलो आप मेरे साथ चलो चलो संभाल के हैदर संभालो। अम्मी इधर आइए, कुछ नहीं है ऐसा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। शादीशुदा आदमी के बारे में दिल में ख्याल लाना भी गुनाह है। लामिया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं खुद को क्यों नहीं रोक पा रही हूँ? क्यों बार बार मेरी आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा नजर आता है? क्यों बार बार कानों में सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनाई देती? क्यों तुम किसी और की हो फिर भी मेरा दिल तुम्हें क्यों हासिल करना चाहता है हैदर? ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर तुम मुझे नहीं मिले तो जिंदगी में मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी? खुदा खैर करे, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। अब मुझे हीना के प्यारे बेटे और बहू को अलग करने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मेरे काल पर पड़े उस तमाचे का बदला अब ये लड़की लेगी। ये तो जरूर था, पता नहीं हैदर को बताना चाहिए या नहीं। ये गजल इतनी रात को हमारे कमरे के बाहर क्या कर रही है? I love you, हैदर। इतनी रात को तुम यहाँ खड़े खड़े किससे बातें कर रहे हो? वो मैं सोच रही थी कि इतनी रात को तुम्हें डिस्टर्ब करना चाहिए या नहीं। एक्चुअली मेरे रूम में ना पानी की बॉटल नहीं थी और मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो। पर तुम्हें तो पता है ना कि किचन कहाँ है? हाँ किचन पता है, लेकिन फिर भी सोचा मैं पूछ लूँ तुमसे एक बार। इसमें पूछने वाली क्या बात थी गजल? अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें किसी भी और चीज की जरूरत हो तो मैं आज अम्मी के कमरे में सो रही हूँ। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना गजल? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, थैंक यू। एक बार
अगर इस लड़की को पता चल जाए कि इसकी माँ की कातिल हीना है तो बस। अगर ये राज तुमने किसी के सामने खोला तो मैं तुम्हें तलाक जरूर दे दूंगा। मियाँ ने तो मुझसे मुंह ना खोलने का वादा लिया है, लेकिन बिना मुंह खोले भी तो राज बाहर आ सकता है ना। छोटी अम्मी, ये लो लोबान। वैसे आपने लोबान क्यों मंगाया है? हमारे घर में तो कहाँ धुआं करने का रिवाज है। जहाँ आग उठती है वहाँ धुआं भी उठता है। तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अपनी दुआ बाजी की चमचागिरी नहीं करनी है तुम्हें? जाओ जाओ जाओ। घर में बड़ा तमाशा कराने के लिए ये छोटा सा नाटक कर ही सकती हूँ मैं। आलतू जलाल तू, आई बला तू डाल तू। तू और हीना आंटी मेरी कितनी फिक्र करती है ये मैं देख चुकी हूँ। तो वो मुझसे कुछ भी क्यों छुपाएंगी? और तो और दुआ मेरी इतनी फिक्र करती है कि उसने मुझे खुद कहा है कि वो मेरे टूटे हुए घर में जाकर मेरे अम्मी और अप्पू की टूटी हुई निशानियां ढूंढने में मेरी मदद करेगी। कौन सी निशानियां? मेरे अप्पू की छड़ी और मेरी अम्मी का ट्रांसिस्टर जिसमें उनकी आवाज रिकॉर्ड की हुई थी। बेचारी बच्ची, कभी कभी मुझे तुम पर बहुत तरस आता है गजल बेटा। सिर्फ एक ट्रांजिस्टर पर, सिर्फ एक ट्रांजिस्टर पर अपनी अम्मी की आवाज सुनकर तुम बड़ी हुई हो ना बेटा। उन्हें कभी अपनी आंखों से देखा भी नहीं ना तुमने। तुम्हारी अम्मी की मौत कैसे हुई? आपसे मतलब? ठीक है बेटा, मत बताओ। मैं तो बस यूं ही। अरे बेटा पराठा दे दो। जी अब्बू जी। मैं बाद में कुछ खा लूंगी, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। चुपचाप बैठ जा। तुम्हें पता है ना इस घर में बिना नाश्ता किए टेबल से उठने की इजाजत नहीं है। बैठो। कोई नहीं, बैठो खाना खाओ। क्या कर रहे हैं आप हैदर? सब लोग बैठे हैं, 18-19 साल के बच्चों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? छोड़िए। 19-20 साल में नहीं खा देता हूँ मैं। अम्मी, ये बार हटाओ मेरी नजरों के सामने से। हीना आंटी ये आर्टिकल देखकर क्यों चला रही हैं?
दो इसे। क्या हो रहा है मेरे साथ? हटा दो इस अखबार को। मम्मी क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या हुआ? क्या क्यों क्यों चिल्ला रही हैं आप? क्या क्या हो गया? क्या देख लिया आपने? तुम खुद देख लो अपनी आंखों से। मैंने कहा ना वो वापस आ गई है, तुम वो देख लो अपनी आंखों से, इस अखबार में देख लो तुम। क्या देखा आपने ऐसे? कुछ भी तो नहीं है। नहीं नहीं है ना, तीसरे पन्ने पर छपी है खबर, मैंने देखी है। आंटी कौन वापस आ गई है? आप किसकी बात कर रही हैं? कोई सवाल नहीं करेगा हिना से, आराम करने दो इसे। और तुम चलो बाहर, बाहर जाओ तुम। मैंने कहा ना बाहर जा। बेबी डॉल, कोई बात जरूर है जिसकी वजह से हीना आंटी परेशान है। जो भी है वो हम देख लेंगे, ये हमारे घर का मामला है, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं तो सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद बेटा। तुम्हारी परवाह करना तो दूर, हैदर तुम्हारे बारे में सोचेगा भी नहीं बेटा, क्योंकि दुआ ने उसे पूरी तरह से अपने बस में कर रखा है। इसलिए मेरी बात मानो बेटा, तो अपनी जान किसी ऐसे तोते में मत डाल देना जो खुद किसी और के पिंजरे में कैद है। क्या बोलने की कोशिश कर रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो इस बात को। पता है गजल बेटा, तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डालने वाला सिर्फ हैदर ही नहीं है। पते की बात तो यह है कि तुम्हारे अम्मी अब्बू की निशानियां हैदर नहीं लाया है, मैं लाई हूं। आप मेरे घर गई थी, सॉरी वो मैंने सोचा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। इतने बड़े घर में, इतने बड़े खानदान में रहकर भी हमेशा अकेली ही थी मैं गजल। अपनों के लिए तरसना क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। खैर छोड़ो इन सब बातों को बेटा, उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप की निशानियां पाकर तुम मेरे लिए भी एक छोटी सी जगह अपने दिल में दे पाओगी। अब दो अकेले एक दूसरे का सहारा तो बन ही सकते हैं ना। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे किसी सहारे की जरूरत है? खुदा खैर करे बेटा, इस घर के लोग वैसे नहीं हैं गजल जैसा तुम सोचती हो, जैसा तुम्हें लग रहा है। आज तुम्हें सिर्फ एक राज का पता चला है बेटा, जो ये सारे मिलकर तुमसे छुपा रहे हैं। ऐसे कई बड़े बड़े राज इस घर में दफन हैं। बस कीजिए। आप तो राहत अंकल की तरह शायर भी नहीं, फिर कैसे अपनी मीठी मीठी बातों से आप लोगों को लपेट लेती हैं? क्या लगा था आपको? आपकी झूठी फिक्र देखकर, आपका ये अकेलेपन का रोना देखकर मैं पिघल जाऊंगी
और ताज्जुब की बात तो ये है कि आज सुबह ही आपने मुझसे मेरी अम्मी की मौत के बारे में पूछा।